कमर को बरना रे ले गई तुम्हारे चुराए। मगर एक काम करना, कौन सा तुम्हारे अगर मेरा नाम बता दो फिर इतनी जादूगरनी है नाम हो अरे बता दो परदेसी झुंदनिया चंदनिया को अरे मेरो अबाय रे पकन दिंगी बे तो सीधे देश कामरू के लिए चले जाओ। आपके तो मेरा नाम बता दिया तो मेरा आवाज नहीं पकड़ देंगी, आवाज नहीं पकड़ मेरे कच्चे ही बर्तन सब फोड़ देंगे जादू के जोर से। ये बात सही। और एक काम और तुम्हें उनका पता बता रहा हूँ। हाँ। गांव में घुसना और सीधे हाथ को मुड़ करके चले जाना पश्चिम साइड में टेढ़ा नींव खड़ो वही उनका मकान है। आप ये बात सही है भाई जी। आज राय नल के लिए विश्वास हो गया कि चोरी बनना जादू के जोर से चंदनिया मोहनिया करके ले गई है और मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे पेश नहीं पड़ेगी, आप भगत जी जाइए। तो आज रायनल उस बियाबान जंगल में जहाँ का मैया कोरे दरबार अरे देवी कमन सा को मंदिर कहियो नल सिंह भैया पहुंच रहे जाए। अरे परदेसी तुम्हें एक काम बहुत जरूरी करना होगा। कौन सा? दे दोनों बहने बहने कमंका देवी की बहुत बड़ी पुजारी ने 4 बजे कमंका देवी पर जरूर आती है गई। अच्छा। हाँ पूजा करने जल चढ़ाने आती है। तुम मैया कमंका के लिए मना लो, तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। ये सही है। कमंता देवी के लिए पास रायनंद जाने लगा, मत कहूं मेरे बेटा और मेरा भतीजो मत बरनी नहीं के तो मत देवी कमंता पे भेंट चढ़ा दे ताते अब वो देवी अकेले ढिंग चार जाका मंदिर देवी कमंता को पहुंचो बामठिया में तई जाए अरे दोनों हाथ जोड़ मैया के बातों पूर नगर के दी अरे तो पतो बरनन को बताए दे मैया सुनो अवारी अवार तेरी ईट ईट मंदिर किया कर दे तेरी ज्योति भस्म हो जाए मेरे परना कम गए देश कमरू पे पतो तो चल तू परनन को नाय ऐसो असरा पूंगो दुनिया में क्या तेरी ज्योति रे कमंता सोचने लगी। इधर देवी मैया कहने लगी राजानल क्षत्रिय अरे राजानल मैं तेरे बेटाओं का पता तेरे लिए नहीं बताऊंगी। किसके लिए बताएगी मैया? जो तेरा यार मनसुख है मैं उसके लिए बेटाओं का पता बता दूंगी, तू अपने यार मनसुख के लिए भेज दे मेरे पास। सही है मैया, मैं अपने बेटों के खातर जानी मगर मैया काम में आ जाए
कौन काल करंगुना जाका यार तोई मंस कठाड़ो अब बूढ़िंग बीरन के चाय अरे सूरत देखिए का भैया की बातों पिया बान के बीच रूप बिगड़ गौ राजा नल को अब कोई तीख बनी मेदार तई पास पहुंच गौ अपने भैया के तई बीरन तेरे करत है बात पहुंचो बीरन के ढिंग जाय जा पे भैया ठाड़ो बनी में के मती नाए तेरे रे लगाइए भैया भैया मैं देवी कमलसा के पास गया तो उस मेरी माँ देवी ने कही कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बता सकती। अच्छा उसने कही के अपने वीरन को दइए भिजाए पाए बताए दिंगो यार मन सुख को अरे तुम तो चले जाओ देवी कमन साते पतो तई परनन को देगी बताए अरे जल्दी जाइए मात मंदिर में मैया है तो हीरे तैया अरे जो जो देरी होती अबेरी कैमो पे धीरे रे बनते हैं नाय भैया जाकर के देवी कमलसा से पूछना हाथ जोड़ करके तुम डेरा में बैठो मैं माँ के पास जरूर जाता हूँ जाइए तुम्हारे लिए बताइए हुक्म यारे बजाबो नल सिंगा तेरो यारे परदेसान में भैया मैया के करंगो यारे नहोरे वीर ने जाए रे पहुंच गो मंस को अरे मठ अरे मैया के और मैया के चरण में नवा दो भैया कमंका के चरणों में मनसुख का प्रणाम स्वीकार हो। अरे मनसुख माँ कैसे रो रहा है कैसे रो धन मचा रहा है बता। माँ मेरे लिए बहुत बड़ा दोष लग गया मैं खुद ही अरे पैरों लगा रो मैया अरे सुन ले अरे डेरा पे मैया मोते वरना अरे चुरी गए मेरी माते। अच्छा तेरे पहरे पैसे बरनाओं की चोरी हो गई। हाँ माँ मैं खुद पहरा लगा रहा था। अगर मनसुख बरना मिल जाए पर एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर तेरे लिए दोनों बरना मिल जाए तो एक बरना की भेंट देनी होगी। माँ हाँ बरना की भेंट नहीं दे सकता। बरना की भेंट नहीं देगा? बरना की भेंट नहीं दूंगा तो क्या मेरा एहसान हुआ?
मेरा यार कहेगा तो तूने कौन सा मोड़ मार लिया, तूने वरना ढूंढे तो तूने एक एक बेटा गमेगा मेरो, क्यों अगर ढोल कुमार चला जाएगा तो उसका भी बेटा खेला है और मैं किशनलाल की भेंट दे दूंगा तो उसकी भाभी कहेगी कि मेरा बेटा मरवाया है अपनों बचा लिया है। अगर उनमें से भेंट नहीं देगा तो फिर पता है मेरी बात सुन, बता जो तेरी घरवाली पे बेटा है श्याम बिहारी है, इनके बदले में अपने बेटा की भेंट दे सकता है तो तेरे लिए बरना मिल जाएंगे, मैं बता दूंगी। अच्छा माँ, हाँ मगर बरना दोनों मिल जाएंगे, बरना मिल जाएंगे। तू जोई जोई अरे केजी में तारी मंस को पोई अरे करेगो मैया बेटा बेटा की तिंगो यरे चढ़ाए। और तू कहता है जाने की बात, जाने के लिए भी मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे भाई रायनल का घोड़ा है उसके लिए उसकी पूछ पकड़ के तू चला जाना और अपने बेटा के लिए ला करके मेरी भेंट चढ़ा दे, अभी मैं तेरे बरना मिल जाएंगे। माँ हाँ मैं तेरी इस बात को सुन करके बहुत बहुत धन्य हो गया, तूने मेरे साथ में एहसान किया कि तूने काफी दूर है तूने सवारी का भी इंतजाम बता दिया। कि देवी माँ कहने लगी आज मैं मनसुख के लिए अजमा के देखूंगी राजा लल का सच्चा यार है या झूठा यार है। तो राजा लल की कमंका माँ मनसुख की जांच करने लगी, जा बेटा अपने बेटा के लिए लेके आई। ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ। अरे चले जाओ अरे मनसुख और सुनो भैयो आजो पास भैया बोलो मंस को नल सिंह यरे पीरन से अरे भैया मेरो यरे परगो जरूरी पीरन मनसुख के पास पहुंच जाता है मगर ये नहीं बताता है कि मैं तेरे घोड़ा के लिए सिया नगर ले जाऊंगा, ये कहता है कि बरना का कहीं पता मिला है और मैं मेरे लिए घोड़ा दे दे मैं वहां तक जाऊंगा। भैया भैया मेरा तुम्हारे लिए माँ ने तुम्हारे लिए पता बताया कि नहीं बताया? पता बताया मगर मेरे जाने के लिए बेबस हूँ, मेरे पास सवारी नहीं है, मुझको घोड़ा यरे दे दिए रे कमरू में भैया जाके वरण को पतो झीले लगाए भैया तुम घोड़ा मेरे लिए दे दो तो माँ ने कह दिया है उस जगह में जाना चाहता हूँ, देखता हूँ मत वरना वहाँ मिल जाए। एक बात जरूर है भाई साहब। कौन सी? आप कितने घोड़ा के लिए दे दो, घोड़ा के लिए मने नहीं है, एक बात जरूर है। कौन सी? घोड़ा दे असवारी बीरन नाए अरे बीर तोई दे कमरू पे अरे दे बरन कोरे जो घोड़ा है इसने आज तक किसी मानस के लिए सवारी नहीं दी है, इसमें सवारी लिखी हुई है उनने सवारी करी है, इसमें सवारी मेरे घोड़ा पे किस किस की है? हाँ भैया पहली सवारी भैया कोसलव को सकी तो सरी सवारी बीरन देव इंद्र की ते सरी सवारी जाप राजा नल की
कथिया लिखिया वेद में नाय का से सवारी तोय दे देगो भैया पर ना मिलंगे नाय। अरे कैसे पतो चले गो परगन को मैं घोड़ा ते करंगो बात। अरे पीर जा पिया बान में भैया देखिए देरी हो रही है भाई साहब। मैं तुम्हारे घोड़ा पर सवार तुम्हारे लिए घोड़ा मेरा सवारी तो दे नहीं सकता। पूंछ पकड़ के ले हुए तो मेरा घोड़ा लेकर उड़ सकता। मगर भैया अपने घोड़ा से ये समझा देना कि आज घोड़ा मेरे हुक्म को मान जाए मैं कहूँ भाग के लिए मुझे पहुंचा दे। पहुंचा भाई देगा ठीक है। पीठ पे बैठा के नहीं ले जाए। हाँ भैया मैं पूंछ पकड़ के चला जाऊंगा। भैया पूंछ पकड़िए पीर घोड़ा जाए गो मेरे भैया। आप यहाँ कहोगे भाई मेरा घोड़ा जाएगा। अच्छा भैया मेरा घोड़ा कभी भी मेरा कहना नहीं जा सकता। ठीक है भैया तुम बैठो और मैं जाता हूँ। जाइए दोस्तों। इधर मनसुख ने घोड़ा की पूंछ पकड़ ली और घोड़ा के कान में कह दे चुपचाप के भैया वीर बछेड़ा आज तुझे यारी का प्रण निभाना पड़ेगा। तू ले चलिए बछेड़ा सियारे नगर को चलिए भैया तू शहर मेरे को चंदी पीर न दिए पहुंचाए। अरे पल पल तेरी हुए होते अबेरी या तो है गई रे जुलम की बात। इधर राजा नल का बछेड़ा दोस्तों। ए सररा अरे करके बछेड़ा अरे उड़े गो तई नल सिंह को अरे लोक में अरे बछेड़ा रोए अरे नर पर कोजी कैसे जाए। अरे भैया मनसुख वीर बछेड़ा देख चार को मारंगो चार टापन से। अच्छा वीर बछेड़ा पचे को डारो दातन चबाए बनो सुन रही है तू मेरी पूछ पे सुने मनसुख तेरे यार की राख दो लाज यार बाबू नंग रपे। घड़ी गुजरी रे ना पल बीतो पोचो नरवर के सिमाने जाए झाका मकानों में ना मनसुख को। अरे भैया ये लो तुम्हारा सिया नगर आ गया। ठीक है वीर बछेड़ा तू यहीं खड़ो है जा और मैं अपने घर के लिए जाता हूँ। ऐसे मत करिए वीर बछेड़ा मैं अपने घर के लिए जाऊं और तू कहीं भाग के लिए चला जाए। यार मैं तेरे लिए धोखा दे करके नहीं जाऊंगा। इधर दोस्तों वीर बछेड़ा के लिए दरवाजे पर खड़ा करके मनसुख और अपनी रानी के पास जाने लगे। इधर महलों में रानी कश्मीरा खुशी मना रही थी नाच खोरिया कर रही थी क्योंकि बराते भूड़ नगर संकल दीप के लिए गई थी बेटा ही खुशी में। मनसुख आवाज देने लगा अरे सोबत हो तो जागी प्यारी कोई जागते हुए तो
बात होए तो जागिए कश्मीरा, कोई जागत होए तो बोले। अरे सैया थारे द्वार पे।